चार लाइन भूमिका से शुरुआत भइले बिरहा के। देखा सुनाय और किताबों में वर्णित आज दुख का अहम भाव कारण गरीबी। मर जाता मानव यहाँ दर्द दिखा करी होने न देती निवारण गरीबी। इंसानी मरता है पशुओं सरी खा और फिर भी कुटिल मुस्कुराती गरीबी। संतोष कहते मुकद्दर से यारो अपना यसर जब दिखाती गरीबी। संतोष कहते मुकद्दर से यारो अपना यसर जब दिखाती गरीबी। ये दुनिया में कुछ लोग हाय पैसा करत हुन, कुछ लोग जितने निमन घर बनवा लेले हुन सोचत हुन कि ये बहन कम बा, कुछ लोगन के पल्ले छत बा, कुछ लोगन के पल्ले कटरेन बा, कुछ लोगन के पल्ले खपड़ैला बा। लेकिन यही दुनिया में रह करके, यही धरती पर रह करके कुछ लोग ऐसनो बा जेकरे छत पर, जेकरे सर पर न छत बा, न मड़ई बा, न खपड़ैला बा, न कटरेन बा। ऊ इंसान सोचेला कि जीवन हमने का गरम कैली कि आज फुटपाथ पर जीवन यापन करे के पड़त बा, आज अखबार पर सुते के पड़त बा, लोगन का जूठन बटोर के खाए के पड़त बा। आप ही लोग बताइला कर्म प्रधान होला, जेकर कर्म प्रधान होला उहे महान होला। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जस कर नीतस फल चाखा। एगो गरीबी है सोच के अपन जीवन यापन करेला कि हमार कर्म कहीं ना कहीं खराब बा। जीवन भोजन आपके मिलत बा वो भोजन खाती कुछ लोग तरसे लाए बाबू। जवन कपड़वा तू पहिर के फेंक देले बाड़ा वो कपड़ा पहिरे खातिर कोई कोई बाजे तरसत बा। बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना बा, सगरी बाजार तो बटले बा धरती पर, हर बाजार बा लेकिन उहो एगो बजरिए बा। कैसन बाजार बा, लिखल गई। अरे जहाँ आदमी बिकला, अरे जहाँ आदमी बिकला, अरे वो बाजारी ना चाला, वो बाजारी ना धरती पर कुछ लोग इतना असकत की मारे मर जात हुन। सबसे बड़ा का बा असकत बा, रुपया पैसा हर जगह बा कमाए के लूर सहूर होखे के चाही, ना कि दूसरे को ऊंच लियार देख के अपन फोरे के चाही। भाव कवि लिखलन, अरे चली ना संभली संभली के, चली ना संभली संभली के, अरे जीवन उसी राह पे न जाना रे।
कलिना संभल संभल के जीवन का क्या ठिकाना, जिसकी कोई ना मंजिल उस राह पे ना जाना। लोग कहावत कहलन कि बिन बुलाव जन जइहा भवानी, ना रही इज्जत ना बाची पानी। जहाँ बुलावा नहीं खे वहाँ कबो जाए का गलती मत करी हा। जवन रास्ता देखले नहीं खा वो रास्ता पर कबो चले का कोशिश मत करी हा। कहानी का शुरुआत कभी कहलन, कहानी कहा देवा गरीब मजदूरों की आपने कहानी सुना, गरीब मजदूरों की आपने कहानी सुना, गायक सब गाय गीत उनके ही जुबानी सुना। सत्य घटना जिला जलौन की सुनाती हूँ, 2020 में घटी है मैं बताती हूँ। रहे मनोहर राम रिक्शा जो चलाते थे, उसी सहारे बीवी बच्चों को खिलाते थे। निर्मल पट्टी गांव का रहे वाला राम मनोहर रिक्शा चालक के परिवार के कहानी बा। एक के लड़का बा जो ने लड़का का नाम बतावल गई राजेश, मेहरारू कैलाशी घरवा में बड़ी दुखी बा। रोज समझावे अपने पति देव के, ए जी रिक्शा चलवले गुजर बसर हो जाई का, कोनो दूसर काम कर लेती, जात बानी रिक्शा चलावत बानी 200-400 रुपया लेके आवत बानी, न बच्चा पढ़ पावत बा, न भर पेट भोजन मिलत बा, न कोनो ढंग के कपड़ा लोग पहिर पावत। राम मनोहर कहाँ सोचत तबानी कि कोनो काम मिले काम कर ले, लेकिन का करी हमारे बस में कुछ नहीं खे। ऐसा कोनो जगह नहीं खे जहाँ जाके तने के बढ़ावा भैया के बढ़ा दा, ऐसा कोनो जगह नहीं खे कि जहाँ जाके हम जो रजमाइश नहीं खी कैले। बाकी हमार करम खोटा बा, कोई काम देवे के तैयार नहीं खे, कोनो काम भी नहीं खे मिलत। कहल जला कि समय से पहले भाग्य से ज्यादे, न कोई के आज ले कुछ मिलल न मिली। राम मनोहर एक सवाल हलन कैलाशी के बतिया सोचत हुन चलल हुन शहर में, एक आधे दू घंटा रिक्शा चलौलन खड़ा करके राम मनोहर बतिया पर विचार करे लगलन। एहर कैलाशी घरवा में सोचत भी अपने कर्म किस्मत के कोसत बा। कहल जला कि समय होत बलवान, पुरुष होत नहीं बलवान। पानी वाला मर्द नहीं खोला, पानी वाला बर्धो नहीं खोला। जोन पैना नहीं सहत। कहल जला कि शूद्र खातिर जने उना होला, पाड़ा खातिर पखे उना होला। फल तो बहुते बा बाजारी में, बाकी बनरन खातिर से उना होला। कैलाशी कोसत बा समैया के दोस्त देश वालों, कहला कि समय बलवान होला, कहीं ना कहीं हमके समय नचावत बा। अखिया में आंस बा, रोवत बा, घर के सफाई करत बा। का कहे टोपिया में, और तारी लागे टोपिया, हजारी लागे टोपियो में, पिया परदेसी कहले तारी लागे टोपियो में। मर टोपियों में ड्यूटी करता, कुछ लोगों के समझ आओ टोपियो मोहू कन्फ्यूजन रहे टोपियो, लेकिन टोपियो नहीं खेई टोकियो बा। मेहरारू कहे एक न हजार तार मरली तोरे टोकियो में आग लगा, तुहके बुझात नहीं खे। भाव लिखल गई कैलाशी सोचे का कोही हाल मो
समय कसबिया के घरवा के सर सफाई करत बा कैलाशी कैलाशी के का पता बा कि मौत के रूप में घरवा में सांप बैठल बा। ए बाबू कहल जला कि मारी मौतिया पारा पारी सबके घेर के केहू के पता ना बा कि हम कहाँ जाई तो हमार मौत आ जाई। केहू सोचेला कि सुरक्षित घर में बानी लेकिन सुरक्षित घर में के बा। रावण के भी इहे भरम समाई लहल। रावण भी भरम में जियत रहल कि समुद्र के बीचों बीच लंका न केहू समुद्र पार करी न हमके केहू मारी। लेकिन स्वयं जानकी के रूप में मौत उठा के लेके लंका पहुंचल रावण। और जानकी के रूप में मौत जब लेके अपन खुदे लंका रावण पहुंचल तो हनुमान वही पर पुल बांध देलन। भगवान राम चढ़ाई कैलन और विशाल रावण के मार गिरौलन। मौत जब आ जाई तब मौत से केहू के तना भागी। घरवा के सर सफाई करत कैलाशी गई वे कैलाशी के ना पता बाकी आज ले हमके जिए के बा। मौत के रूप में सांप बैठल कैलाशी के हाथ में अंगुरी में डंक मरले बा। कैलाशी घरवा में से बाहर भइल आंख में आंसू बा। रोवत बा कैलाशी। छोटा मासूम बच्चा राजेश माई से सवाल करे लगल पूछे लगल माई काहे रोवत अरु दुख बा कष्ट बा गरीबी के सोच के रोवत अरु। मत रो हम जब बड़ हो खब कमाई गरीबी भाग जाई। एक पांच साल का बेटा अपने माई के समझावत बा नत रुआ मत रुआ समय एक खानी ना होला। समय आई हमनो का बढ़िया बढ़िया खाई ली बढ़िया बढ़िया पहरल जी। कैलाशी कहे नारे पगला हमके हमरे गरीबी से कहाँ तकलीफ बा। बाकी लगता कि आज ले हमके जिए के बा। राजेश रोवे लगल ऐसन मत बोल माई का भइल बा का चीज के दुख बा काहे आज ले जिए के बा। माई बेटवा के सारी बात बतौले बे बता करके माई बेटवा के एगो बात कहे एगो काम करा। गौआ में कोई मिले बुलाला केहू ले चल के हमके हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। कहल जला ए बाबू बनला के सार बहन होई जगतिया में कोई न अपना। जा करके राम मनोहर के बेटवा राजेश गौआ में घूम घूम लोगन के आगे हाथ जोड़े रोवे। पांच साल का मासूम बच्चा के बतिया लोग सुन करके भी अनसुना कर दे काम बा केहू और के देख ले। भाग करके लड़का इनके उनके दुआरे जाए लेकिन केहू कैलाशी के हॉस्पिटल ले जाए के तैयार ना भई। घरवा गई जाके माई से कहे लगल माई साचो में गरीबी ऐसन होले का कि आपन लोग भी मुंह मोड़ लेलन। केहू तो है हॉस्पिटल ले जाए के तैयार नहीं खे। कैलाशी रोवे गोदिया में बिटवा के भर के समझा के एगो बात कह छोड़ा दुनिया जवार के बाद जाके अपने बाबूजी के बुला के लेके आवा। का कहे माई बाबू
ही बाहरी गंगा माई हो, वही बारी जमुना हो, यही बारी गंगा मई हो, वही बारी जमुना हो, बिचव में ही लो दवा सरजू मैया मारे मैया मारे रो करके कैलाशी बेटा के समझावे, ए बेटा एगो काम करा, बाजार में पहुंचल मार्केट में पहुंचल आसान नहीं थे, फिर भी बाबू के अपने बुला के लेके आवा, लोगन से पूछत जई हा, जैसे जैसे लोग बतैहन वैसे वैसे मार्केट में बाजारी में पहुंच जई हा, बाबू के अपने बता दी हा माई के सांप कट लेबा, कहे बेटा के बोला के ओ कहली बेटा के बुला करके समझावे, बेटा एगो बात सुन, बाबू के बुला के लेके आ, बाबू से जाके कह दिए माई के सांप कट ले बा, ए बेटा शरीर में बहिन प्राण बा, प्राण निकल जाई तब बाबू के अपने कबो दुखी मत करिया, जवन तुहार बाबू लिया के सुखरुख दियन चुपचाप खा लिया, कबो अपने बाबू के दुखी मत करिया, कबो अपने बाबू के नाराज मत करिया, आज कैलाशी समझावे बाबू के कबो दुखी मत करिया, बाबू का दिल मत दुखिया, जी गईली तो कोनो बात ना, मर गईली तो अपने बाबू का सहारा बनिया। राजेश माई के बतिया सुन करके बाजार के रास्ता पकड़ के दौड़त चलल बाबू के बुलावे बदे, लोगन से पूछत बजरिया में गईल, और जब बाजार में गईल बा लोगन से पूछत बा बाबू के कोई देखलस का, राम मनोहर का हम लड़का बानी, निर्मल पट्टी गाँव का रहे वाला बानी, धीरे धीरे लोग आगे भेजत बा, तनी आगे और बढ़त बा, तनी आगे और बढ़त बा, बढ़त बढ़त गई, एक पान वाला के दुकान के बगल में बाबू का रिक्शा लौक गई, दौड़ल गई राजेश जा करके पूछे लगल चाचा ई तो रिक्शा हमार बा हमारे बाबू के बा, बाबू हमार नहीं खन, पान वाला बताया आज तुहर तो बाबू तनी नाराजल रहलन, घरे कोनो दिक्कत बा, तुहर तो माई झगड़ा कैली का, नाही माई काहे के झगड़ा करियन, माई तो ये दुनिया के छोड़ के जाए वाला बाड़ी, पान वाला पूछा काहे का भइल बा, राजेश रो रो के बतावे लगल बाबू के बुलावे आइल बानी माई के सांप कट ले बा, पान वाला कहा बाबू तुहार बाबू सवेरे अइलन सात बजे, साते बजे को गायब बड़न, राजेश सोच गई लगाता बाबू हमके और माई के छोड़ के कहीं भाग गईलन, बाबू लगत बाकी कमात कमात थक गई रहलन, बाबू हमने से उब गई लहलन, घरवा वापस निराश होके लौटल, जाके माई के सिरहाने बैठ के रोवत बा, माई से कहत बा ए माई गांव का लोग तो मुंह मोड़ी लेलस, लेकिन हमार बाबू भी हमने से मुंह मोड़ लेलन, बाबू के रिक्शा बा बाबू नहीं खन, बाबू हमने के छोड़ के कहीं चली गईलन, अब हमने के सहारा के बा, हमने के कमा के खियावे वाला के बा,
माई कुछ सुनत नहीं कि माई के शरीर नीला पड़ल बा, माई के शरीर से झांक आवत बा। कहल जला ये बाबू ओ घरी अगल बगल के जे आस पड़ोस के बा ओकरो कान तक आवाज न रोला के न चिखला के न चिल्लैला के जाला। जीवना घरी बीपत होले दुख होले हसत खेलत जिंदगी बा त लोग कनवा पर ले रही हो बड़ा हसत अनो सो आज खुश महस कोनो बात बा। राजेश रोवत बा माई के याद में माई के जगावत बा लेकिन कोई दुअरवा पर जाए वाला नहीं खे। रात बीतल सवेर भइल कुछ लोग गइलो ना राम मनोहर अबहिन नहीं अल राजेश काले से रोवत बा बात का बा। धीरे 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 एकादुकी लोग आवे लगलन गौवा में हल्ला हो गई कि कैलाशी के काले के सांप कट ले बा कैलाशी ये दुनिया में नहीं खे कैलाशी मर गई। धीरे धीरे दिन के 12 बजल बा राम मनोहर रिक्शा लेके अलन घंटी रिक्शा के मारे हाथ में मिठाई के डब्बा। जब केहू घरवा में से नहीं निकलल न कैलाशी न राजेश तो अपनी मन्ने घरवा में गइलन लोगन के भीड़ सोचे कि घरवा में आखिर भइल का बा। जब घर के अंदर गइलन खाट पर कैलाशी के देखलन राजेश के रोवत देखलन राजेश दौड़ के गई बाबू के कुंवरिया में भर के रोवे लगल। बाबू का रला बाबू कल पूरा बाजार तो के खोजली छोड़ के कही चल गई लला। राम मनोहर रोमे राजेश से पूछे काहे तोहर माई सुतल बाड़ी अबले इतना लोगन के भीड़ काहे बा। राजेश सारी बात को बताया हाथ का मिठाई का डब्बा छुटल गिर गई ले बाबू मिठाई छिटा गई उठा के कैलाशी के रिक्शवा पर लेके राम मनोहर चलल होनी इलाज कराई कैलाशी बच जाए लेकिन कैलाशी बचे के पोजिशन में नहीं खे। आखिरकार वह डॉक्टर इंसान गलती करके सॉरी बोलेला भैया तो के माफ कर जाले लेकिन जब डॉक्टर एक बार सॉरी बोलेलन तो लोग फोन पर कहे लगेला कि आके भेंट कर। डॉक्टर आकर के राम मनोहर के बतौलन बड़ा देर हो गई राम मनोहर कैलाशी ये दुनिया में नहीं खी। रोवत घरवा लेके अलन कैलाशी के दाह संस्कार कैलन राम मनोहर फिर भी एक सवा उठाई लेलन सोचे लगलन कि हो ना हो जवन कमवा हम खोज के आईली उ कमवे हमरे खातिर मनहूस साबित हो गई का कैलाशी हमसे दूर हो गई कहीं ना कहीं वो काम की वजह से पुनः वो काम से मुंह मोड़ लेलन रिक्शा चलावे लगलन। एक दिन राम मनोहर रिक्शा चलाते चलाते कैलाशी अपने समय किस्मत के बारे में इतनी सोचलन हार्ट राम मनोहर के तेज हो गई रिक्शवा से नीचे गिर गईलन। बाजार के कुछ लोग उठा करके राम मनोहर के भर्ती करौलन लेकिन राम मनोहर भी बचे के पोजीशन में नहीं खन। 10 दिन के बाद राम मनोहर भी ये दुनिया के और बेटवा राजेश के छोड़ के चल बसल हुन। राजेश के सामने अब कोई नहीं खे पूरी दुनिया अनहार लगत बा। रिक्शवा पर राम मनोहर के लेकर के बाजार के लोग घरवा आवत हुन राजेश देखत पर रिक्शा पर बाबू सुतल हुन। राजेश सोच गई कि बाबू भी ये दुनिया में नहीं खन रो रो करके राजेश एगो बात कहे लगल बड़ी पुरानी हागीत लगल ये पीरा पीरा। अरे काशी बता दा कितना दूरी पैरन में छागा कोड़ी रे भयो दूरी पैरन में छाला कोड़ी रे भयो अरे लोगवा लेके आवे बापू जी के लासी करे जा कुह के माई के बिना
शहर के जब लसिया घरे आइल बा तो हितनाथ भी जुट गइलन, राजेश का बुआ भी आ गई, राजेश का फुआ राजेश के गोदिया में लेके चुप करावे समझावे, ए बेटा मत रो तोर माई बाबू मर गइलन तो का भई, तोर धर्म के माई जियत बा। राजेश का बुआ फुफा मिल करके काम क्रिया कैलन हा, घरवा पर टाटी लगा के राजेश के लेके अपने घरे चल गइलन। राजेश का पालन पोषण राजेश का बुआ फुफा मिल के करे लगलन, चला कोनो बेटा मालिक ना देले रहलन, एक के बेटी रहल, बेटा मिल गई लेके पालन पोषण करल जाई, बुढ़ौती के सहारा बनावल जाई। राजेश का नाम स्कूल में लिखवा करके बुआ फुफा पढ़ावे तक लगलन, धीरे धीरे समय बीते लगल। एक दिन राजेश इंटरमीडिएट परीक्षा के पास कैले बा, राजेश जवान हो गई सयान हो गई, बुआ फुफा सोचे कोनो नौकरी कले एहू का जीवन पार हो जाए तो हमनों का जीवन पार हो जाए। राजेश का बुआ फुफा सोरस लगावे लोगन से पूछे, राजेश के नौकरी खातिर ने उन्हें फुफा दौड़त भागत हुन। गौवा में तनी अलग प्रकार के गो चर्चा होखे लगल, दू चार गो मेहरारू बैठे दुआरवा पर राजेश की फुआ से बतियावे, बतियावत बतियावत सगरी बात बतिया के एक आध गो घुमा फिरा के बतिया के कह दो, कहो हेती मुकी रहल लेके अइलू, पाल पोस के जवान सयान कैलू, शादी जोग हो गई बियाह कर दे तू, नहीं तो कह दे तू कि अपने घरे चल जाई, दूसरका दिन तनी कुछ और बतियाओ, तीसरका दिन कुछ और बतियाओ, धीरे धीरे मेहरारू बतियावत बतियावत परक गईली। केहू के जगह ना देबा तौले वो आदमी बतियाई ना, जब जान जाई कि तुहू बड़ा खुश बड़ा बाती से तो अब रोज तुहके चार घंटा पकावे लगी। मेहरारू के बात के जवाब राजेश के बुआ नहीं दो, सुनो या सुन के उठ के चली जा। मेहरारू परक गईली, धीरे धीरे आखिरकार एक दिन राजेश की बुआ से कहे, कहो सुनबो गौवा में बड़ा चर्चा बा, बड़ा हल्ला बा, राजेश का बुआ कहे कैसन हो कैसन चर्चा। वही मासे एगो मेहरारू कहे लगल, देखबू तुहार लड़की जवान बे, अल जवान लड़का के घर में रखले बाड़ू, भले तुहरी भाई का लड़का बा लेकिन गौवा में अफवाह लोग बतियावत बा, तरह तरह का बात फैलल बा कि कहीं तुहरे लड़की के साथ है ओकर चक्कर तो नहीं ना बा। राजेश का बुआ ओ मेहरारूवन के बतिया पर इतनी जोर देले बिया, इतनी ध्यान देला से बाबू कि अब मेहरारू का बतिया हन, राजेश का फुआ रोज निगरानी में बैठे लागल, हसल खाइल बोलल बतियावल, एक संगे पढ़े गईल आइल ट्यूशन गईल, राजेश की बुआ के भी खटके लगल बात। आखिर इतना ई खुश दोनों एक दूसरे से हुआ कहीं गौवा का लोग सही तना न कहत बा। राजेश के बुआ के शंका का जवन कीड़ा रहल वो धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़े लगल। एक दिन राजेश के बुआ राजेश के बैठा के पजरवा कहे, बाबू समय खराब रहल लेके अली पाल पोस के जवान सयान कैली, अब तू कमाए खाए लाख हो गई बाड़े, एगो काम कर अपने घरे चल जो। राजेश हंसे लगल, हाँ हाँ काहे हो, कहाँ जाई कैसन घर ना जाई, तू ही हमर माई बाड़ू, कहाँ कमाई कैसन माई, तौले ना जाई जौले शरीर में जान बा। राजेश का बुआ ये बतिया के गलत तरीका से ले लेलस, ओ इस शरीर में जान करे जौले रही तौले ना जाई, ये हमने से के मतलब नहीं खे, हमके जोन मेहरारू कह दिली हो ना हो सही बात बा, यही खातिर जाई नहीं खे चाहत। एक दिन राजेश की फूफा के बैठा के राजेश का बुआ कहे लगल, कहो देखबा मजाक में कहली घरे जाए के लेकिन हेंग जवाब दिल तनी तू कहा। राजेश का बुआ भी राजेश का फूफा भी अजमावे लगलन, राजेश शादी ब्याह जाके कर ले, अब करे खाए लाख हो गई ले, अपने हाथे बना खा ले बे। राजेश हंसे लगल, चला हटा तुहके का हो गई, फूओ भी पगला गई तू पगला गई, वाह हम जाए होए वाला बानी ना। राजेश का फूफा सोच गया कि यह बात हकीकत बा, एक ना एक दिन गौवा में हमार नाक कट जाई, अब इन एक कादू के घरे बात होत बा, काहे न कमवे खत्म कर दी ही जाई ना, और जाई ना तो हमार पन हसई एकदम तय बा। एक दिन नशा में धुत घर आया राजेश का फूफा, योजना बनावत बा राजेश के मारे के, सोचत बा कि न रही बांस न बाजी, कामे खत्म हो जाई, नहीं रही ना हमार गौवा में बदनामी होई, न केहू कही कि हमारे बेटी के रखले बा, न केहू जानी के पूछे वाला माई बाप मरी गईलन।
राजेश का फूफा घड़ी 12 बजे उलट चलल बा मारे खातिर ब्याह में भाव लगल। ए बाबू किनारे जाके नैया का करी, अरे किनारे जाके नैया का करी, तो दुखवा लिखल बाटे जे करी बीच लीला रे, दुखवा लिखल बाटे जे करे बीच लीला रे, किनारे जाके नैया का करी। घड़ी 12 बजौला, हाथ में गणास लेकर के राजेश का फूफा चल दिया, राजेश का काम खत्म करब चलल ह। बड़ी पुरान गीत यहाँ लगल ह। शंका के ऊपर लिखल गई, शंका के ऊपर लिखल गई, कहल जला कि सगरी बीमारी के इलाज बा, लेकिन शंका के इलाज नहीं खे, न कोनो ओकर जड़ी बूटी बनल, न कोनो डॉक्टर पैदा भइलन, शंका के कैले रहल। और यही शंका के खातिर जरली उहे रावण के नगर भइले, भ्राता विभीषण अपना घरी से बेघर, फुआ के संकस मैल तवन भौजी के ललनवा, और सुन पिया राजेश के मारा कहीं के तू जहार भइले, भ्राता विभीषण अपना घरी से बेघर, मारा दे के तू जहर भइले, भ्राता विभीषण अपना घर से बेघर। रावण के भी शंका भइल, विभीषण के लात मार के लंका से निकाल देले रहल। चला है गड़ास लेकर के राजेश जौने रूम में सुतत रहल गई, और जा करके लगातार गणसा का प्रहार करे लगल। आ करके सुतल बा सोचत बा कि 4 बजे मांस का लोथड़ा बोरिया में भरब, कहीं ले जा करके नदी घाटे फेंक दे। खड़ी 4 बजे राजेश उठ गई, रोज के आदत बा ट्यूशन जाए के बा पढ़े के बा, राजेश जगल जा करके सुनीता के जगावत बा, सुनीता ए सुनीता 4 बज गई पढ़बू ना, पढ़ाई ना हुई उठ। सुनीता बोलत नहीं खे, चदरवा सुनीता के जब खिंचले बा राजेश देखत का बा, अलग लाइन से बतावल गई, अरे देखले राजेश कटल वही सुनीता के मुड़िया बाबू, धीरे धीरे होके लागल भोरवा को बिहार, फुआ जौरी फुफा के जा तावेला राजेशवा जगबा, खुनवा में रंगाइल बट बहिन हो हमा, भागल दूनो प्राणी गईले थाना दरमियनवा हो साहब, बेटी के मुआवलस हो बोती जावे हमा, चार बजल सुनीता के जगावत बा, सुनीता खून में लतपत दौड़ करके राजेश गई फुआ फुफा के दरवाजा खोलत बा,
फुआ फुफा आकर के ताकत हो राजेश जिंदा जीवित। फुआ राजेश की फुफा की ओर ताके, राजेश के फुआ और फुफा के इशारा इशारा में बात हो गई। दोनों अपने बिटिया के नाम देख करके भाग के गईलन थाने पर। सवेर का बेला दरोगा जी की अगवा बैठ के दोनों प्राणी पैरवा पर गिर के रोए, कहे साहब ए साहब बड़ा मुजरिम पकड़ के लेके आई ले जेल में बंद कर लो भाई साहब। हम जगह बतावे आई वाली हो साहब, इतना बड़ा लड़का के लेके अली पाल भोज के जवान सजान कैली, कहल जला के जमुना के दूध पियावल जला उहे डंक मारेला। जवान होकर के सयान होकर के हमरे भाई का लड़का हमरे लड़की के अपने प्यार के जाल में फांस लेलस। धर्म हमार खराब कर देलस ए साहब, भागे का संगे बियाह करे का हमरे बेटी के तैयार कैलस, लेकिन बेटी जब तैयार ना भइलो साहब त हमरे बिटिया के जान मार देलस। दरोगा साहब चार सिपाही के लेकर के चलल वन सवेर का बेला, बेकसूर राजेश के गिरफ्तार कैलन लेकर के जेल में अइलन बंद करके दरोगा साहब मारने लगे। जय डंडा लगे, राजेश रोवे एक के बाद कहे साहब हमरे जैसन अभागा लड़का के जिए के दुनिया में कोनो अधिकार नहीं खे। बचपन में जकरे माई के छाया सर से उठ गई होके, जकरे बाबू का प्यार छिना गई होके, वो कोनो लड़का बड़ा बदनसीब बानी ये साहब। हम इतना बदनसीब बानी कि हम अपने माई बाबू के भी खा गई ली। एक के मुंह बोली बही रल सुनीता, सुनीता ये दुनिया में नहीं खे, जेवना के इल्जाम लेके हम जिया तानी साहब, ये शरीर में ही पापी प्राण रह के का करी साहब। ये साहब मरते हुआ तो ये सन मरा कि ये शरीर से पापी प्राण निकल जाए। राजेश रोवे ये साहब बच गई ली तो एक दिन तो के भी पछतावा हुई, मर गई ली तो हमके बड़ी शांति मिली बड़ी खुशी हुई। साहब एगो बतिया याद रखिया, जितना मन करे हमें मार लाओ साहब, शरीर के एक एक बूंद खून निकाल घला, लेकिन असली मुजरिम के पकड़े का काम करिया साहब, असली मुजरिम के जरूर पकड़िया साहब। तनी हम देखब कि वो असली मुजरिम है कौन, आ सुनीता के मरलस का है। दरोगा साहब जब जा करके राजेश के मारे, राजेश से पूछे राजेश से के बात कहे साहब मारला, लेकिन असली मुजरिम के पकड़िया साहब। एक दिन दरोगा जी सोच गईलन कि असली मुजरिम हर दिन राजेश कहेला तो हो न हो कि असली मुजरिम कोनो बा, छानबीन जारी बा। कुछ दिन के बाद असली मुजरिम जब हाथे लगल हुन, असली पापी जब हाथे लगल हुन, एक सराख में एक जेल में जब असली मुजरिम बंद भइलन तो दूसर का जेल में जाके दरोगा जी राजेश की अगवा खड़ा भइलन और राजेश से कहलन, राजेश अब हम कैसे माफी मांगी, हमके पाप से मुक्ति कैसे मिली। बड़ा पापी बानी राजेश कहे कैसन साहब, कैसन पापी तू काहे का पापी बड़ा साहब। दरोगा जी कहे काहे ना पापी बानी, बेकसूर के मारे वाला ही पापी होला और तू तो बेकसूर बाड़े। राजेश रोवे लगल पैरवा पर गिर गई, साहब काहे बेकसूर बानी साहब, आज ले दोषी रही पापी रही आज बेकसूर, यानी सुनीता के मारे वाला पापी पकड़ा गई का साहब। दरोगा जी कहे राजेश असली मुजरिम तो केहू और बा, राजेश कहे साहब मरला गरियौला ओकर में दुख नहीं खे, तनी असली मुजरिम के दिखा दा। ले करके दरोगा जी चलल हुन, जब असली मुजरिम के देखले बा राजेश रो रो एगो बात कहे लगल आखिरी भाव में, का कहे अरे खत्म कहिला बेटी, अरे खत्म कहिला बेटी, अपन सही के पिरावा तो बेटा मान लो हमर के बोल गाई रावा। तुहरी ये बाटे पछताताप हो, अरे फूफा बन जा हमारी धरा मामा का बाप हो।
गप्फा जब असली मुजरिम साबित भइलन त रोवे लगल, चेहरा पर मायूसी छा गइल, आंख में आंसू बा। धर्म के माई बाबू अपने माई बाबू से महान होलन। तू कैसन धर्म के माई बाड़ू, तुहे तो डूब मरे के चाही। हमरे ऊपर शंका कैलू, शक कैलू, एक बार हमसे पूछल जरूरी ना समझलू। धर्म के बहन जौना के कसम देले रही, वादा कैले रही, डोली में बैठा के विदा करब। ओ बहन के डोली में बैठावे क सौभाग्य ना, बल्कि अर्थी पर ले जाए क सौभाग्य मिलल। राजेश रोवे, एक खातिर हम यहाँ से जाए क ना कही, सुनीता के वादा देले रही। सुनीता कहले रहल, भैया तब तक घर और जमीन मत छोड़ के जइया जब तक हमारे माई बाबू के बढ़ोती के पार मत लगा लिया। वही सुनीता के वादा जौन देले रही, वादा पूरा करे बदे ये घरवा के छोड़ के जाए का ना कही। तू लोगों के बढ़ोती के सहारा बने का सुनीता के वादा कैले रही, लेकिन इतना घटिया फुआ फूफा हुई सोचले ना रही। एगो काम करा, सुनीता के मारे वाला कोई हो तो सुनीता के बाप लोग का कहन, एगो बाप के ऊपर से तमाम बेटिन के विश्वास उठ जाई। धर्म का बेटा बना ला ताकि बुढ़ौती का पार घाट लगा दी, ओकरे बाद हमार तक केहू है ये नहीं खी। कहे का दोनों प्राणी गलती आपन कई ले कबूल हो, और माफ कर दो जेवन भोईल हमसे भूल हो। बेटा मान ले बा हमरा के बुलल बाहिरवा, पैरवा पर गिर के पुआ फुफा माफी मांगे, क्षमा कर दे बेटा, माफ कर दे, हमन बड़ा पापी बानी, कई मुंह देखावे लाख नहीं खी। सवाल किया राजेश का फूफा, राजेश मारे बदे तो हम तोके गई लली, लेकिन सुनीता कैसे मरा गई। राजेश सारी बात को बताने लगा। ओई दिन तनी हम लेट घरे आईली, और जब घरवा आईली तो सुनीता हमारे बिछौनवा पर सूत गई लहल। सुनीता के जगौती, सुनीता का नींद खराब हुई, ए लिए सोच के हम जाके सुनीता के बिछौनवा पर सुत गई ली कि जायदा सुनीता सुत गई बे। हमें अगर पता होत कि सुनीता मार जाई तो कतई अपने बिछौना पर सुनीता के ना सुते देती। कहा जाता है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके जो जग बैरी होए। मारे वाला से साथ बचावे वाला का हाथ बड़ा लंबा होला ये साहब, यही खातिर हमारी जगह सुनीता मरा गई। बुआ फुफा पैरवा पर गिर के माफी मांगे, लेकिन राजेश कौना ढंग से माफ करे। कहा अब माफ करे का कोनो चांस नहीं खे, तू लोग आपन देखा, हमके लोग आपन देखे द। चल दे अलस घर द्वार छोड़ के, वही कीना राम मठ पर जाके हाथ जोड़ के महाराज के आगे, महाराज जिसे कहे महाराज ये दुनिया में हमार केहू नहीं खे। ये दुनिया कैसन बा हमार के बा तनी हमें बतावा। का कहे अरे डहरिया बतावल जा, ओए डहरिया बतावल जा, आ गुरु हमारी भूला ली, डहरिया बतावल जा। ओहो
साई बाबू दुश्मन हो गई ल, एगो मुंह बोली बहिन दुनिया के छोड़ के चल गई। हमार के बात अभी हमें बतावा कहे और के बा हमारे गुरु हम के लखब ले जा, के बा हमारे स्वामी हम के बतब ले जा, गुरु हमारी भूलाली डरिया बतब ले जा। बढ़िया होके के चाहिए, राशि पर विश्वास ना करे के चाहिए। काहे की राशि राम रावण के ना चलल, गौरम ठीक बात सब ठीक बा। जियतो नाम लिहन लोग, मरतो नाम लिहन लोग। फलाने बड़ा निक रहल सुने खाती मरे के होला ये बाबू, जियत भर तो आदमी खाली गारी ये सुनत बा। कहे एगो बात और, गुरु के चरनिया के धूल मिली जाई, धूल मिली जाई तो कहिए धूल खिली जाई, गुरु हमारे भूलली डहरिया बतवले जा। जा करके किनारा मठ पर वह राजेश भक्ति में लीन हो गया और यह सोच लिया कि दुनिया में केहू के केहू नहीं खे, सांचो के बनला के सार बहनोई जगतिया में कोई ना अपना। अरे गुरु हमारे भूलली डहरिया बतवले